बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जी हम मुर्गियों को डाल लेते हैं जी दाने। उसके अलावा डक्स को भी डालते हैं। बाकी जिन्हें दाने डाले थे वो चुको और खाने लगी हैं जी, तो इन्हें अलग डाल देते हैं जी। तो फ्रेंड्स, आज मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बारिश होने वाली है जी। उसके अलावा जी गोरमों को भी डाल देते हैं ये दाने। मुर्गी भी जी बाहर आ गई है। कबूतर को भी जी हम डाल देते हैं जी दाने। उसके अलावा जी देखते हैं क्या हालचाल है जी बच्चों का। अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक है। इन्हें भी जी पानी डाल देते हैं जी। पानी इनका ख़त्म हुआ है, फिर डाली थी थोड़ी देर पहले, तो अभी इन्हें हम जी पानी डालते हैं जी। तो फ्रेंड्स, मुर्गी को डाले हैं जी दाने और जो बच्चे हैं इन्हें डाली है जी फीड। अभी डालते हैं जी इनको पानी। कबूतर जी भी उड़ी गए फ्रेंड्स, ये देखें जी। कबूतर हमारा भी जी इसी वजह से उड़ गया, आज मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा है। ये देखें जी अभी घर के इर्द गिर्द चक्कर लगा के बैठ गया जी। तो बाकी के जो दाने बच्चे हैं जी वो हम डालेंगे जी डक्स को, और कुछ थोड़े से डालेंगे जी डक्स के बच्चों को भी। फ्रेंड्स, जो बाजरे के दाने डाले हैं उनमें थोड़ा सा पानी डालते हैं, तो वैसे जो बच्चे हैं ये इस तरह नहीं खाते, थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है जी। तो फ्रेंड्स, मौसम आज भी काफी ज्यादा खराब है, बारिश बनी हुई है।
हो सकता है जी कुछ देर तक शुरू हो जाए, इसी वजह से जो मुर्गी के बच्चे और डक्स के बच्चे हैं इनको नहीं निकाला क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड है तो ये बीमार ना हो जाए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ही छोटे हैं। तो आस्ता आस्ता जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो फिर मौसम के मुताबिक ये जी एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये देखें जी बारिश होने वाली है फ्रेंड्स। नेल ने भी काफी ज्यादा शोर डाला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे भेज जाकर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।